लास्ट क्लास में अपन ने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर में उसके आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, उनके बारे में अपने क्या की थी, बातें की थी। उसके अलावा उसके डीएनए के बारे में बात कर ली थी। तो देखो लास्ट क्लास की बात करें, लास्ट क्लास में अपन ने जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके बारे में बात की, जो इनर मेम्ब्रेन है उसके बारे में बात की, उसके डीएनए के बारे में बात कर ली, और उसका जो स्ट्रोमा भाग होता है उसके बारे में बात कर ली। आज जो अपन बात करेंगे इसी क्लोरोप्लास्ट के एक एंजाइम है इसका, जिसका नाम है रूबिस्को एंजाइम। बहुत ही इम्पोर्टेंट एंजाइम है। आज रूबिस्को एंजाइम के बारे में अपन बात करेंगे इस लेक्चर में, कि रूबिस्को एंजाइम किसका बना होता है, कैसे होता है, क्या काम करता है। रूबिस्को एंजाइम की एक एक्टिविटी है इसमें, जिसको अपन बोलते हैं रूबिस्को की एंजाइमेटिक एक्टिविटी। उस एक्टिविटी के बारे में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे। रूबिस्को एंजाइम कार्बन फिक्सेशन में क्या करता है, अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। कार्बन फिक्सेशन क्या होता है इसके बारे में जब केल्विन साइकिल पढ़ेंगे तब बात की जाएगी। तो इसके अलावा जो रूबिस्को की कार्बोक्सी डिसम्यूटेज एक्टिविटी है उसके बारे में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे। तो इस लेक्चर में रूबिस्को एंजाइम, उसके एंजाइमेटिक एक्टिविटी, इसके अलावा कार्बोक्सी डिसम्यूटेज एक्टिविटी के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस लेक्चर को यहाँ से। इस लेक्चर को अपन शुरू करें तो अपन रूबिस्को के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँ रूबिस्को के बारे में, तो रूबिस्को मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है, या अपन इसको प्रोटीन भी बोल सकते हैं कि प्रोटीन है, क्योंकि एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के ही बने होते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें तो ये एक फैमिली से बिलोंग करता है, जिस फैमिली का नाम है लाइसिस फैमिली। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, लाइसिस फैमिली से क्या करता है, ये बिलोंग करता है। इसके अलावा इसके द्वारा जो एक एक्टिविटी की जाती है, मैंने जिसका उसका नाम भी आपको बताया कि कार्बोक्सी डिस म्यूटेज एक्टिविटी शो की जाती है, इस एक्टिविटी के बारे में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो जो रूबिस्को एंजाइम है उसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल रूबिस्को एंजाइम है, उस रूबिस्को एंजाइम के किसकी बात की जाए, स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो रूबिस्को एंजाइम स्ट्रक्चर में आपका मल्टी सब यूनिट का बना होता है, मल्टी सब यूनिट का बना होता है। अपन बोल सकते हैं कि मल्टी सब यूनिट एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ये, मल्टी सब यूनिट एंजाइम्स का क्या है कि कॉम्प्लेक्स है। इसमें बात की जाए तो कितनी यूनिट होती हैं, इसमें यूनिट होती हैं 16 यूनिट, 60 यूनिट का क्या है ये कॉम्प्लेक्स है। और इस कॉम्प्लेक्स को यदि यहाँ से डिवाइड करें तो 8 तो क्या पाया जाए इसका, किस प्रकार की यूनिट है, इसमें लार्ज यूनिट है और 8 किस प्रकार के इसमें स्मॉल यूनिट है। अब ये यूनिट किस टाइप से बनी हुई है, मैंने कहा कि 8 यूनिट है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 यूनिट का, तो देखो 1 2 3 4, उस प्रकार से देखो तो 4 क्या हो गए, डाइमर हो गए, तो 4 क्या है, ये डाइमर्स है। इसी प्रकार से इसमें
एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, आठ तो यूनिट हो गई, और डायमंड कितने हो गए इसमें भी, चार डायमंड हो गए। तो इसमें भी कितने डायमंड देखने को मिलेंगे आपको, चार डायमंड देखने को मिलते हैं। अब देखो जो लार्ज यूनिट है, इस लार्ज यूनिट के जो जीन है, क्योंकि ये लार्ज यूनिट बन रही है तो कोई ना कोई जीन तो बना रहे होगा, ये जीन पाए जाते हैं कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के भी जो डीएनए होता है उस डीएनए में पाए जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। फिर जो स्मॉल यूनिट है, स्मॉल यूनिट की बात की जाए तो ये भी पाए जाते हैं, इनके जीन पाए जाते हैं न्यूक्लियस में, जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूक्लियस में भी किसके पास, डीएनए के पास पाए जाते हैं। तो देखो यहाँ से वो पॉइंट निकल के भी आ गया आपका कि सेमी ऑटोनोमस होता है क्लोरोप्लास्ट। सेमी ऑटोनोमस का देखो कुछ जीन तो कहाँ पर बन रहे, इसके क्लोरोप्लास्ट में बन रहे, और कुछ जीन जीन सेल के जो न्यूक्लियस होता है वहां पर बन के आ रहे हैं। तो ये बात आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज की। एंजाइमेटिक एक्टिविटीज की बात की जाए तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी, देखो एंजाइमेटिक एक्टिविटी की बात करें तो रूबिस को हैव थ्री सबस्ट्रेट्स, जो आपका रूबिस को एंजाइम होता है उसके पास कितने सबस्ट्रेट हैं, तीन। और तीन सबस्ट्रेट कौन कौन से, उसके पास तीन क्या है, सबस्ट्रेट है। अब सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट वो है जिनसे प्रोडक्ट बनेगा। सबस्ट्रेट को यूज लेगा कौन, आपका रूबिस को लेगा, और उस उनको यूज लेकर क्या बनेगा, वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाएगा। तो आपके तीन सबस्ट्रेट कौन से, तो RuBP है, इसके अलावा आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, एरोस कौन सी गैस हो जाएगी, ऑटो गैस, इनको वो यूज करेगा, और यूज कर कर क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। फिर ये देखो यूज किस हिसाब से करता है, किस मैनर में करता है, किस टाइप से ये इन तीनों का यूज करता है, तो ये करता है ग्रुप में, दो दो के ग्रुप में यूज करेगा। जैसे मतलब कि एक टाइम है, तो एक टाइम मतलब दो कंडीशन में, एक टाइम तो ये यूज करेगा आपका रूबिस को, RuBP, RuBP के साथ में किसको ऐड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को। ए कंडीशन में ये RuBP के साथ में किसको ऐड करेगा, ऑटो को। तो देखो एक बार तो ऑटो के साथ में जा रहे हैं, और एक बार किसके साथ में जा रहे हैं, CO2 के साथ में। पर देखो आपका रूबिस को है वो क्या है इसमें, कॉमन है। रूबिस को क्या है इसमें, कॉमन है। यदि ये RuBP के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को जोड़ता है तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सीलेशन। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सीलेशन। और ये ऑक्सीजन को जोड़ता है तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेशन। ये ध्यान रखना कि ऑक्सीजनेशन क्या होता है और कार्बोक्सीलेशन क्या होता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। इसको यदि अपन और आगे इसकी बात की जाए तो कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन दोनों रूबिस को की एक सेम साइड पर होती है। सेम साइड का मतलब कैसे, सेम साइड का मतलब ऐसे कि जैसे मान के चलिए कि ये आपका क्या है, रूबिस को एंजाइम है, ये है आपका रूबिस को एंजाइम, रूबिस को एंजाइम है। अब ये जो रूबिस को एंजाइम है इसके पास में देखो आपकी CO2 भी आएगी, CO2 की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है, इसके पास में O2 भी आएगी, O2 की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है। अब इन दोनों की देखो स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। यदि स्ट्रक्चर सेम है तो आपका CO2 भी जाकर बाइंड हो सकता है और आपका O2 भी जाकर बाइंड हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ बाइंड कौन होता है आपका, CO2 ही होता है। आप कहोगे कि सर ये CO2 ही बाइंड क्यों होता है, कार्बोक्सिलेशन की ही क्रिया ज्यादा क्यों होती है, O2 भी तो है इनके पास, स्ट्रक्चर भी सेम है तो O2 भी जाकर जुड़ जाना चाहिए। फिर तो देखो जो रूबिस को एंजाइम होता है, रूबिस को एंजाइम के पास एक एक्टिविटी होती है, या बोल सकते हैं उसका एक नेचर होता है। और नेचर किस प्रकार का होता है इसका, डिस्क्रिमिनेशन का, डिस्क्रिमिनेशन,
डिस्क्रिमिनेशन का। डिस्क्रिमिनेशन के नेचर में क्या करता है, ये O2 को हटा देता है, ये कहता है कि O2 में तेरे को नहीं लेने वाला, मैं किसके साथ जाऊंगा, CO2 के साथ में ही जाऊंगा। ये नेचर है किसका है, रूबिस्को का नेचर है, ठीक है। अब देखो कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि इन्वायरमेंट है, एटमोसफियर है, उसमें CO2 कम हो सकती है, O2 ज्यादा हो सकती है, O2 कम हो सकती है, CO2 ज्यादा हो सकती है। तो उस कंडीशन में अपन देखें तो RUBP किस टाइप से रिएक्ट करता है यदि कंसंट्रेशन O2 या CO2 की कम या ज्यादा कर दी जाए। तो सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन देखें अपन, नॉर्मल कंडीशन की बात की जाए तो नॉर्मल कंडीशन में जो आपकी CO2 गैस है वो एनवायरनमेंट में कितनी है, 0.04% होगी मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, और आपके अकॉर्डिंग भी इतनी होनी चाहिए। और सी जो O2 होती है आपकी, ऑक्सीजन होती है, वो कितनी है आपकी, 21%। नॉर्मल कंडीशन में O2 21% या 21% होने पर रूबिस्को O2 को एक्टिव साइड पर ऐड करना चाहिए, नॉर्मल सी बात है, O2 को एक्टिव साइड पर बाइंड करेगी वो तो 21%, बट आपकी CO2 तो क्या है, 0.04%, बहुत कम है। बट रूबिस्को के पास क्या पाई जाती है, डिस्क्रिमिनेशन की एक्टिविटी या डिस्क्रिमिनेशन का इसका नेचर पाया जाता है। इस डिस्क्रिमिनेशन के नेचर के कारण इसके साथ में जाकर ऐड होता है, CO2 को ऐड कर लेता है ये, ठीक है। अब देखो अपन इन्वायरमेंट के कंडीशन को चेंज कर देते हैं, चेंज मतलब एक्सपेरिमेंट के द्वारा चेंज कर रहे हैं कि अपन ने इन्वायरमेंट की कंडीशन कुछ इस प्रकार की बनाई। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने कंडीशन बनाई है कि आपकी जो कंसंट्रेशन है गैसेस की कंसंट्रेशन, ये आपका रूबिस्को एंजाइम है, ये भी आपका रूबिस्को एंजाइम है, ठीक है। यहाँ पर 0.04% कर दी, 0.04% कर दी, कौन सी गैस को, CO2 को और O2, आगे समझ में आपको। इसी प्रकार से यहाँ पर भी अपन ने 21% कर दी और 21% कर दी, किसको कर दी, आपकी O2 को, और यहाँ पर CO2 आ गया, एक बार CO2 आ जाएगा, एक बार O2 आ जाएगा, दोनों बार CO2 नहीं, एक बार CO2 एक बार O2, और यहाँ पर भी कौन आ जाएगा, आपकी CO2 आ जाएगा। तो अपन ने क्या किया, एक बार तो वो कंसंट्रेशन ले ली जो CO2 की है दोनों के लिए, O2 और CO2 के लिए, एक बार वो कंसंट्रेशन ले ली जो O2 के लिए है, CO2 और O2 के लिए, ये दोनों चीजें आप अलग अलग समझना। अब यदि ये फर्स्ट वाली कंडीशन है या सेकेंड वाली, ये फर्स्ट वाली कंडीशन है या फिर दोनों में से कोई सी भी कंडीशन हो, दोनों में से कोई सी भी कंडीशन हो, होगी एक ही घटना दोनों में से, चाहे जो कंडीशन आए, पर जो होगा, जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, रिजल्ट आपको मिलेगा 60 टाइम्स मोर कार्बोक्सीलेशन एक्टिविटी देखने को मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 60 टाइम मोर कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। किसमें, किसके बात कर रहा हूँ मैं, यदि अपन इन्वायरमेंटल कंडीशन अपने अकॉर्डिंग कर लें, और अपने अकॉर्डिंग भी अपन ने कितनी कितनी की है, एक बार तो 0.04% ले ली दोनों के लिए, दोनों गैसेज के लिए, और एक बार दोनों गैसेज के लिए कितनी ले ली, 21%, 21% ले ली, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक एक्टिविटी बताई थी, कौन सी एक्टिविटी बताई थी मैंने आपको, यहाँ से एक एक्टिविटी बताई थी जो रूबिस्को एंजाइम के द्वारा की जाती है, कार्बोक्सी डिसम्यूटेज एक्टिविटी, ये वाली एक्टिविटी मैंने आपको बताई। अब ये वाली जो एक्टिविटी है, ये वाली एक्टिविटी आपको मैं क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि किस प्रकार से ये एक्टिविटी पूरी कंफर्म होती है। चलो ठीक है, लिख के लेते हैं, मैंने सोचा कॉपी करने से कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलो अपन इस एक्टिविटी के बारे में जानते हैं, इस एक्टिविटी के बारे में बात की जाए तो इस एक्टिविटी को अपन रूबिस्को एंजाइम में देखते हैं। सबसे पहले बात ये होगी, ये एक्टिविटी कौन से एंजाइम में होती है, रूबिस्को एंजाइम में होती है। इस एक्टिविटी के द्वारा होगा क्या, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे, इस एक्टिविटी के द्वारा होगा क्या कि स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे। इस एक्टिविटी का नाम एक बार और लिख लेते हैं अपन, की कार्बोक्सी डिस
म्यूटेज एक्टिविटी की बात करें अपन, ठीक है, इस एक्टिविटी की अपने यहाँ पर बात करें। इस एक्टिविटी को समझने के लिए आपको क्या लेना है, एक RUBP लेना पड़ेगा। एक RUBP का मॉलिक्यूल लेते हैं। RUBP क्या होता है, आप पहले नाम याद रखिए कि हाथी का RUBP होता है, एक एक मॉलिक्यूल है RUBP का। यदि RUBP के स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके पास C1, 2, 3, 4 और 5, और जो फर्स्ट होता है इस पर क्या मिलेगा आपको, फॉस्फेट ग्रुप, और लास्ट होता है उस पर भी क्या मिल जाएगा आपको, फॉस्फेट ग्रुप मिल जाएगा। आप देखो सबसे पहले जो एक्टिविटी देखने को मिलती है उस एक्टिविटी में क्या होगा, यहाँ पर CO2 होगा, और ये जो रूबीज को एंजाइम है, ये एंजाइम इस CO2 को 1, 2, 3, 4 और 5 ये दो नंबर कार्बन पर लाकर इसको ऐड कर देगा। जैसे ही दो नंबर कार्बन पर लाकर इसको ऐड करेगा CO2 को, ये यहाँ से हट गई है, हटी क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको लाकर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो यहाँ पर CO2 बाइंड हो गया। ये जो ऐड हुआ है रूबीस को के साथ में, मैंने CO2 को जो बाइंड कर दिया है, इस बाइंड की जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं कार्बोक्सीलेशन एक्टिविटी, कार्बोक्सीलेशन एक्टिविटी। CO2 भागता है एनवायरनमेंट में, और एनवायरनमेंट के CO2 फार जो रूबीस को एंजाइम में ये उठाकर कहाँ रख देते हैं, दो नंबर कार्बन पर, पहली बात होगी। दूसरी बात होगी आपकी कि इसको RUBP को यहाँ से क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, और कट करता कौन है, यही आपका रूबीस को एंजाइम करता है। RUBP को रूबीस को यहाँ से क्या कर देगा, कट कर देगा, और इसको बोलते हैं डिस, कट बाई रूबीस को, इसको क्या बोलते हैं, डिस करना। तो ये क्या हो जाएगी आपकी डिस म्यूटेज, डिस हो गया, डिस यहाँ से आ गया आपका कार्बोक्सीलेशन एक्टिविटी, ये कार्बोक्सी हो गई। अब म्यूटेज हो जाए, हाँ म्यूटेज के नाम के साथ में रहते हैं, म्यूटेज क्या करेगा, म्यूटेज करेगा आपके फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ से उठाएगा, और यहाँ से उठाकर यहाँ डाल देगा किसके साथ, CO2 के साथ। तो आपके पास जो मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या बनेगा, C, एक कार्बन और फिर फॉस्फेट ग्रुप आ गया, एक तो ये बन गया। फिर दूसरा यहाँ से कट लगाने के बाद में सी है, कार्बन मॉलिक्यूल है, फिर कार्बन मॉलिक्यूल है, और फिर फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये आपके पास दो मॉलिक्यूल बन गए, ये आपके केल्विन साइकिल में बहुत यूज आएंगे। तो ये जो फिलहाल जितनी एक्टिविटी हुई है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ना, फिर कट लगाना, कट लगाने के बाद में फॉस्फेट ग्रुप को उठाकर कार्बो CO2 के साथ में ऐड करना, इस पूरी प्रोसेस को एक नाम के साथ में अपन बोले तो कार्बोक्सी डिसम्यूटेज एक्टिविटी बोलते हैं। इतनी बात की, इसे आगे चलें तो इसे आगे बात करेंगे तो अपन टाइप ऑफ रूबीस को की बात करेंगे, इसके बात करेंगे टाइप्स ऑफ रूबीस को एंजाइम के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। रूबीस को एंजाइम के जहाँ टाइप की बात की जाती है तो मोस्टली 4 टाइप के होते हैं, इनको रट लेना, वैसा समझने लायक तो कुछ नहीं। फॉर्म फर्स्ट, फॉर्म सेकंड, फॉर्म थर्ड और फॉर्म फोर्थ। अब इनकी कंडीशन क्या क्या रहती है, फॉर्म फर्स्ट की जो कंडीशन रहती है इसमें तो 8 होती हैं लार्ज यूनिट, और 8 ही क्या होती हैं आपकी स्मॉल यूनिट, कुछ समझ नहीं लगता है इसमें, कुछ नहीं था। फिर देखो L2 दो लार्ज यूनिट होती हैं, और N की संख्या जो आप रखना चाहो वो रख लेना, मतलब आपका मॉलिक्यूल जो भी बनेगा उसके अकॉर्डिंग रखे जाएंगे। फिर L2N डॉट सेकेंड कंडीशन हो सकती है L2 5, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, 5 हो सकती है। फिर हो सकता है आपका L2 नॉर्मल हो, कि दो ही लार्ज सब यूनिट हो, कोई स्मॉल सब यूनिट होना। अब यहाँ पर जो आप एक बोल सकते हो कि नॉर्मली जो रूबीस को पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, आपका फॉर्म फर्स्ट वाला। एक तो बात ये याद रख सकते हो, जो फॉर्म फर्स्ट का है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है आपका रूबीस को है, और जो आपका 4 है इसमें कैटालाइटिक एक्टिविटीज नहीं पाई जाती। कौन सी एक्टिविटीज में नहीं पाई जाती, कैटालाइटिक एक्टिविटीज में नहीं पाई जाती, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं आगे, यहाँ पर लिख लेना फिर भी
भूल जाओगी इसमें कौन सी एक्टिविटीज नहीं पड़ी जाती हैं आपकी। लाइटिक एक्टिविटी क्या होती है यहाँ पर, एब्सेंट। ठीक है, ये बात कर ली, ये बात किसकी की अपन ने, रूबिस को एनजीएम की बात कर ली। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका थैलेकोइड का। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा यहाँ से आगे देखें तो 6 नंबर, यहाँ से 6 नंबर जो पॉइंट है उसकी बात करेंगे अपन, उसका नाम है आपका ग्रेनम। क्या नाम है? ग्रेनम। तो ग्रेनम से पहले अपन ने किस किस की बातें की थी वो एक बार और देख लेते हैं कि ग्रेनम था, ग्रेनम से पहले अपन ने क्या क्या बातें कर ली। आज जो अपन ने बात की है वो रूबिस्को के बारे में बात की, आज की जो बातें हुई वो किसके बारे में हुई है, रूबिस्को के बारे में। रूबिस्को से स्टार्ट किया था अपन ने आज, क्लोरोप्लास्ट का, ये रहा आपका रूबिस्को। यहाँ से अपन ने बात की कि आपका क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, डीएनए, स्टोमा वगैरह, इनके बारे में अपन ने बात की। इसके अलावा रूबिस्को एंजाइम किस प्रकार से काम करता है, कितने परसेंटेज पाया जाता है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, उनके बारे में अपन ने बात की। तो ये बातें अपन कर चुके हैं, आप इनको वीडियो को दोबारा से एक बार, यदि नहीं समझ में आया कुछ तो वापस से देख सकते हो। अपन नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आपको ग्रेनम, ग्रेनम और पढ़ना है, ग्रेनम और थाइलेकोइड, ग्रेनम और थाइलेकोइड पढ़ना है आज की क्लास में। रूबिस को पढ़ना था अपन को, इसके अलावा ग्रेनम पढ़ना था। ग्रेनम अपन नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो ग्रेनम टाइम पास हो गए, नेक्स्ट क्लास